गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज हम हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में स्टडी करेंगे कि पानी के अंदर हार्डनेस कैसे होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल आते हैं वो कैसे सोल्व करते हैं, उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर, जैसा कि आप सब जानते हैं, वाटर के बारे में कोई परिचय की आवश्यकता नहीं। पानी सब पीते हैं, सब यूज करते हैं। सोर्स क्या है पानी के? दो तरह के सोर्स हैं, एक तो सरफेस वाटर और एक अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि सतही जल और एक भूमिगत जल। अब सतही जल के सोर्स हैं चार प्रकार के, एक तो बरसात से, दूसरा नदियों से, तीसरा समुद्र से, चौथा झील से। बरसात का जो जल होता है वो प्राकृतिक वाटर में सबसे शुद्धतम रूप होता है, शुद्धतम रूप, जबकि समुद्र का सबसे ज्यादा इम्प्योर होता है, सबसे ज्यादा अशुद्ध होता है, ठीक है। झील के पानी जो होता है इसमें कार्बनिक अपशिष्टों की मात्रा अधिक होती है। इस झील के पानी के अंदर कार्बनिक अपशिष्ट, ऑर्गेनिक रेसिड्यू जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, अपशिष्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि जो नदी का पानी होता है इसमें कई लवण घुले होते हैं, इसमें लवण पाए जाते हैं। दूसरा है अंडर वाटर भूमिगत जल। ये भूमिगत जल के बारे में आप जानते हो, कुओं से, ट्यूबवेल से इत्यादि से इसको बाहर निकाला जाता है और यूज किया जाता है। इसमें भी कई लवण घुलते हैं, इसमें भी लवण घुले रहते हैं, ठीक है। तो ये जनरल आइडिया है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ वाटर। इस हार्डनेस के आधार पर या पानी दो तरह का होता है, देखिए डिफाइन किया गया है दो तरह के पानी को। एक तो होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर, राइट। एक होता है सॉफ्ट वाटर यानी कि मृदु जल। इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसा पानी जो साबुन के साथ झाग देता है, ऐसा पानी जो साबुन के साथ झाग देता है सॉफ्ट वाटर कहलाता है। यानी कि इसमें कपड़े धोना बहुत आसान है सॉफ्ट वाटर के अंदर। जबकि हार्ड वाटर ऐसा पानी यानी कठोर जल, ऐसा पानी जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है। ऐसा क्यों है कि ये झाग नहीं देता है? देखिए क्या होता है, जो हार्ड वाटर है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। जो सॉफ्ट वाटर है उसमें ये लवण नहीं होते हैं, जबकि हार्ड वाटर में लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, जैसे कैल्शियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का सल्फेट, इसी तरह कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, ये लवण पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब इस ऐसे पानी के अंदर साबुन लगाया जाता है, ये होता है साबुन। साबुन आप जानते हो उच्च वसीय अम्ल होते हैं, उच्च वसीय अम्ल होते हैं, C17H35, C15H35 इस तरह से। तो ये सोडियम है, सोडियम उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण है, सोडियम सोल्ट साबुन कहलाते हैं। जब इनमें ये जब पानी में साबुन को लगाया जाता है कठोर पानी में, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सोल्ट मौजूद है, ये तीनों यानी टोटल 6 सोल्ट, ये पानी के इस साबुन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। और कैल्शियम, जैसे ये स्टीरिक एसिड है तो कैल्शियम स्टीरेट, मैग्नीशियम स्टीरेट बना लेते हैं, और ये अघुलनशील होते हैं और ये झाग उत्पन्न नहीं होने देते हैं। तो इस वजह से पानी में झाग उत्पन्न नहीं दिखा झाग दिखाई नहीं झाग उत्पन्न नहीं होती और कपड़े साफ नहीं होते हैं। इन दो रीजन की वजह से कि ये जो साबुन है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट हो जाता है और रिएक्शन नहीं कर पाता है, मतलब कपड़ों के साथ रिएक्शन नहीं करता और झाग उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये हार्डनेस क्यों होती है और इस हार्डनेस के आधार पर जो
पानी है वो दो तरह का होता है, हार्डनेस के आधार पर पानी दो तरह का होता है, या ऐसा कहें कि पानी के अंदर जो हार्डनेस है, कठोरता है, वो दो तरह की होती है। एक तो होती है स्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट, और एक होती है अस्थायी कठोरता यानी कि टेम्पररी। परमानेंट हार्डनेस, ये तो समझ में आ गया ना आपके, हार्डनेस किस वजह से? हार्डनेस है कैल्शियम के सोल्ट, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का होल ट्वेल्व। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इन लवणों की उपस्थिति के कारण हार्डनेस उत्पन्न होती है, कठोरता उत्पन्न होती है, जो साबुन, जो कठोर पानी में साबुन जाग नहीं देता है। देखिए टेम्पररी हार्डनेस यानी अस्थायी, ये होती है बाइकार्बोनेट के कारण। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण सी ए एच, ये रिएक्शन राइट डाउन कर लें आप जो मैं बताने जा रहा हूँ, सी एच सी ओ थ्री का होल ट्वेल्व और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एम जी एच सी ओ थ्री का होल ट्वेल्व। ठीक है, इन दोनों की वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है। और टेम्पररी हार्डनेस की खास बात है, जैसे ही पानी को गर्म करेंगे, जैसे ही आप पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ये दूर हो जाती है, टेम्पररी हार्डनेस खत्म हो जाती है। कारण जैसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सी ओ टू प्लस एच टू में टूट जाते हैं। इसी तरह ये मैग्नीशियम कार्बोनेट CO2 और H2O में डिकम्पोज हो जाते हैं और हार्डनेस दूर हो जाती है। जबकि स्थायी हार्डनेस जो होती है, परमानेंट हार्डनेस, ये कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होती है, और ये गर्म करने पर दूर नहीं होती है। इन्हें दूर करने के लिए अलग विधियां अपनाई जाती है, जो आप जैसे सोडा लाइम विधि, EDTA विधि, सॉरी सोडा लाइम विधि, जियोलाइट विधि, आयन एक्सचेंज विधि। EDTA से तो आकलन करते हैं कि कितनी हार्डनेस मौजूद है, उन विधियों के द्वारा इनको दूर किया जाता है। जबकि जो टेम्पररी है, ये बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, जिन्हें गर्म करके दूर किया जाता है। गर्म करने से बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें फिल्टर करके दूर कर देते हैं। ठीक है, तो ये है दो तरह की, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी अस्थायी, परमानेंट स्थायी। अब इसके देखिए एक चीज, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस, कि हार्डनेस की डिग्री क्या है। देखिए हार्डनेस होती किस वजह से है, इन छह प्रकार के सोल्ट की वजह, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट। लेकिन जो हार्डनेस है उसको कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हार्डनेस है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। देख यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। कैसे, जैसे अब ये हमेशा ये याद रखना, एक मोल ये जितने छह के छह जो सोल्ट है डिकम्पोज होकर के एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, राइट। एक मोल का मतलब होता है कितना ग्राम, उसके अणुभार के बराबर ग्राम होगा। मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो एक मोल होगा तो ग्राम मात्रा बराबर अणुभार हो जाएगा, यानी जितना अणुभार उसका कम, यानी एक मोल डिकम्पोज होकर एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जितना अणुभार होगा उसी के इक्वल होगा ये सारे सोल्ट का अणुभार। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुभार होता है वो 100 ग्राम होता है, 100 होता है, तो 100 भार भाग कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल होगा मैग्नीशियम के मोल के, यानी कि 146 के, 146 होता है। इसी तरह कैल्शियम बाइकार्बोनेट के 162 के, मैग्नीशियम सल्फेट के 120 के, कैल्शियम सल्फेट के 136 के, मैग्नीशियम क्लोराइड के 96 के और कैल्शियम क्लोराइड के 111 के, ये इनके अणुभार हैं सब। अब देखिए मतलब क्या है इसका,
जैसे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा कि 14.6 मिलीग्राम पर लीटर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में कितना हार्डनेस होगा, तो आपको ये 6 डेटा याद रखना, ठीक है। तो चूंकि 146 में कितना है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, एक में कितना होगा 100/146, तो 14.6 में कितना होगा × 14.6, जैसे आपने 10वीं क्लास में करेंगे चूंकि लगातार के इस तरह, चूंकि एक से इतना बनता है तो दो से कितना बनेगा, उसी तरह करेंगे। ये न्यूमेरिकल देखने से पहले हम कुछ डिग्री देखते हैं कि किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं हार्डनेस को। तो हार्डनेस को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके हैं। पहला है डिग्री फ्रेंच में, दूसरा डिग्री क्लार्क में, और तीसरा पीपीएम में, इसको पी बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, और चौथा मिलीग्राम पर लीटर। पहला डिग्री फ्रेंच में, यदि 1,00,000 भाग कठोर जल में, यदि 1,00,000 भाग कठोर जल के उठ ले लिए जाएं, उसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होगा, वो डिग्री फ्रेंच में कठोरता कहलाएगी, ठीक है। डिग्री क्लार्क 70,000 में भाग कठोर जल के ले लिए जाएं, तो उसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा, वो डिग्री क्लार्क में कठोरता कहलाएगी। पीपीएम 10^6 भाग में, यानी कि 10,00,000 भाग में कितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा, वो पीपीएम में कठोरता कहलाएगी, क्लियर। डिग्री फ्रेंच 1,00,000 में, डिग्री क्लार्क 70,000 में, और पीपीएम 10^6 में। उदाहरण के लिए कोई आपसे कह दे कि 1,00,000 भाग कठोर जल में 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है, ठीक है। कठोरता क्या है, बार बार कह रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ही निकालना है, वही कठोरता है, ठीक है। तो 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है 1,00,000 भाग में, तो डिग्री फ्रेंच में कठोरता कितनी हो जाएगी, 25 डिग्री फ्रेंच, क्योंकि 1,00,000 में होती है। 70,000 भाग में 25 ग्राम है, तो डिग्री क्लार्क में कितनी हो जाएगी, 25 डिग्री क्लार्क, ठीक है। जैसे 10 ग्राम बता, 10 डिग्री क्लार्क। अगर कह दे कि 10^6 में 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कितनी हो जाएगी, 25 ppm, ठीक है। और अगर चौथी और है, समझ में आया, तो एक 6 तो ये डेटा याद रखने हैं आपको, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि डिग्री फ्रेंच होती है 1,00,000 में, डिग्री क्लार्क होती है 70,000 में, पीपीएम होती है 10^6 में। एक और है मिलीग्राम पर लीटर, चौथी जो है मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर कठोर जल में, उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, ये होगी मिलीग्राम में मात्रा, ये ध्यान रखना। वो ग्राम में थी, तीनों जो थी वो ग्राम में थी, कि 1,00,000 भाग कठोर जल में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, वो डिग्री फ्रेंच 1,00,000 के अंदर, 10^5 में ग्राम के अंदर। इसी तरह 70,000 में ग्राम के अंदर, 10^6 में ग्राम के अंदर। ये तो है डिग्री फ्रेंच, ये डिग्री क्लार्क, और ये पीपीएम, ठीक है। लेकिन अगर 1 लीटर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट मिलीग्राम में होगा, वो मिलीग्राम पर लीटर में कठोरता कहलाती है, पर मिलीग्राम में पर लीटर में जो कठोरता है वो पीपीएम ही होती है, यानी दूसरा रूप है इसका, मिलीग्राम पर लीटर का, एंड पीपीएम का दूसरा रूप है मिलीग्राम पर लीटर, क्लियर। अगर इन चारों में कंपैरिजन देखें, तो देखिए 1 मिलीग्राम पर लीटर ये होगा 1 ppm के, 1 मिलीग्राम पर लीटर ये होगा पीपीएम के, पीपीएम कितना, 10^6, ये 10^5, तो कितना हो जाएगा 0.1 डिग्री फ्रेंच। ये 70,000 है, 10^4, 10^6 100 का भाग लगाओगे तो 0.07 डिग्री क्लार्क, क्लियर। समझिए कैसे निकालोगे, जैसे 10^6 बराबर 10^5, 10^6 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, ये 10 बार 0.1 डिग्री फ्रेंच आ जाएगा, और ये 70,000 में अगर 10^6 का भाग लगाओगे तो 4 है, 100 बार कटेगा, 0.07 डिग्री क्लार्क आ जाएगा।
और मिलीग्राम पर लीटर देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे है, मिलीग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 10^-3 ग्राम हो जाएगा, क्लियर। और लीटर को अगर ml में कन्वर्ट करोगे तो 10^3 ml, क्लियर। नीचे लाओगे 10^6 हो जाएगा, 10^6 में कितना ग्राम में होता है तो क्या कहलाता है, ppm ही कहलाता है, यानी दोनों बराबर है। तो ये रिलेशन एक आप याद रखें, ये बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में कि 1 mg/L बराबर 1 ppm बराबर 0.1 डिग्री बराबर 0.07 डिग्री क्लार्क। ये रिलेशन याद रखेंगे, न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे सोल्व करना, ठीक है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, दो चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट, हार्डनेस क्या है? हार्डनेस है कैल्शियम कार्बोनेट, ये याद रखें आप। नट सिंपल एक लैंग्वेज में बात करें तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा निकालनी है और आपको हार्डनेस आपको इजीली निकल जाएगी, ठीक है। सेकंड, ये जो 6 डेटा मैंने आपको बताए हैं, ये 100 ग्राम इतने के तुल्य, इतने के तुल्य, ये याद रखना है। थर्ड, ये एक रिलेशन है 1 mg/L बराबर 1 ppm बराबर 1 डिग्री फ्रेंच बराबर 0.07 डिग्री क्लियर। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे एक न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, थोड़ा समझिएगा। इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जाम कि कोई पानी है, पानी का एक नमूना है जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट है 16.2 mg/L, ठीक है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है 7.3 mg/L, मैग्नीशियम क्लोराइड है 9.5 mg/L, कैल्शियम सल्फेट है 13.6 mg/L, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो न्यूमेरिकल में यूनिट है, जो न्यूमेरिकल में यूनिट आ रही है क्वेश्चन के अंदर, वही यूनिट आपकी हार्डनेस की आएगी जब सोल्व करोगे। हार्डनेस की जो यूनिट आएगी निकल के, वो वही आएगी जो आपके न्यूमेरिकल में है, क्लियर। चलिए देखते हैं आपको इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट। पहला लेते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट इक्वल है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के, चूंकि तो इसलिए 1 ग्राम कितने के होगा, 100/162 कैल्शियम कार्बोनेट। न्यूमेरिकल में कितना है करे होंगे हम 10वीं क्लास में इस तरह के सवाल, 16.2 mg/L, राइट। तो कितना हो जाएगा, 100/162 × 16.2, सोल्व करेंगे 10 बार 10 से 10 बार, कितना आया, 10 mg/L कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने कहा न्यूमेरिकल में जो होगा वही है, ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा लेते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कितने के है, 146 100 ग्राम के कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर। 7.3 कितना होगा, 100 / 146 × 7.3, क्लियर। तो ये 5 यानी कि 5 mg/L कैल्शियम कार्बोनेट, ये हार्डनेस निकल रही है, ध्यान रखना, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या होता है, हार्डनेस होती है, क्लियर। तीसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड कितना होता है, 95 कितने के है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर। 9.5 कितने के हो जाएगा, 100/95 × 9.5,
वही 10 आएगा, सोल्व करके देखेंगे तो मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट। चौथा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट कितना होता है 136, 136 कितने के इक्वल होता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो 13.6 कितने के होगा 100 डिवाइडेड बाई 136 इंटू 13.6, 10 से कट जाएगा, 10 से 10, 10 मिलीग्राम लीटर कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो इन चारों के अंदर ही हार्डनेस निकल के आ चुकी है कि कितनी कितनी हार्डनेस होगी। अब सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि स्थाई कठोरता आपको बतानी है, अस्थाई आपको बतानी है और कुल आपको बतानी है। अब मैं आपसे अगर सिंपली एक सवाल पूछा जाए कि स्थाई कठोरता किस वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ चेक करो, ये दो हैं क्लोराइड एंड सल्फेट, यानी कि तीसरा और चौथा, कितनी कितनी है 10 और 10 20, तो ये तो स्थाई होगी 20 मिलीग्राम पर लीटर, क्लियर। अस्थाई किसकी वजह से, बाइकार्बोनेट की वजह से, यानी कि 1 और 2, 1 में आया था 10, 2 में आया था 5, तो 15 हो गया मिलीग्राम पर लीटर, और टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 35 मिलीग्राम पर लीटर, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया, वापस समझा रहा हूँ। ये चारों क्वेश्चन मैं आपको दे रखे हैं, यूनिट जो आएगी हार्डनेस की वही आएगी जो यहाँ न्यूमेरिकल में दे रखी है, ठीक है। आपको इन सबको कन्वर्ट करना है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, कन्वर्ट करिए। आपको अभी जस्ट मैंने कहा 6 रिलेशन, तो 162 कितने के इक्वल है 100 के, एक कितने के होगा 100 डिवाइडेड बाई 162, तो बस 16.2 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा। मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट 146 कितने का होता है 100 के, तो एक कितने का होगा 100/146, तो 7.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड 95 होता है उसका, तो 95 100 के, तो 9, तो एक कितने का होगा 100/95, तो 9.5 से गुणा हो जाएगा, 10 आएगा। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट का 136 100 के, तो 13.6 कितने का हो जाएगा 10 आ जाएगा। यूनिट मिलीग्राम पर लीटर आएगी, क्वेश्चन में मिलीग्राम पर लीटर दे रखा है। तो स्थाई जो कठोरता हो गई वो सल्फेट और क्लोराइड सल्फेट की वजह से होती है, वो दे रखे हैं ऑप्शन 3 और 4, यानी कि 10 और 10 20 हो गया। अस्थाई बाई कार्बोनेट की वजह से फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट में 10 आए, सेकंड में 5 आए, टोटल कितना हो गया 15 मिलीग्राम पर लीटर, और टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे 35 मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए, सवाल आगे ये पूछ लेते हैं कि कठोरता ppm में ज्ञात करिए, डिग्री फ्रेंच में ज्ञात करिए, डिग्री क्लार्क में ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। रिलेशन याद रखना, पहला निकालते हैं डिग्री, इंच तीनों की कठोरता हम ज्ञात करेंगे ppm में, डिग्री फ्रेंच में और डिग्री क्लार्क। 1 मिलीग्राम पर लीटर बराबर 1 ppm बराबर 0.1 डिग्री फ्रेंच बराबर 0.07 डिग्री क्लार्क। मिलीग्राम पर लीटर में आ रखी है, तो ये तो ppm में तो इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर, तो 20 ppm, 15 ppm, 35 ppm। डिग्री फ्रेंच में कितनी होगी, 1 मिलीग्राम बराबर ये है तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 × 0.1 20 करोगे तो डिग्री फ्रेंच, 1.5 डिग्री फ्रेंच और 3.5 डिग्री फ्रेंच गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर मिलीग्राम से इधर चलोगे तो गुणा करना है और इधर से इधर चलोगे तो भाग देना है। कहने का क्या मतलब है, अगर डिग्री फ्रेंच से मिलीग्राम निकालोगे तो 0.1 का भाग दोगे और मिलीग्राम से निकालोगे तो गुणा करोगे, ठीक है। तो 20 मिलीग्राम क्लार्क में तो 0.07 से गुणा कर देंगे, करो 140 आएगा, 20 × 7 = 140, 2 के बाद 0 यानी 1.4 डिग्री क्लार्क, 15 × 7 = 105 तो 1.05 डिग्री क्लार्क, और दोनों को टोटल कर दो 0 = 45 2.45 डिग्री क्लार्क। तो इस तरह से हम डिग्री फ्रेंच डिग्री क्लार्क में कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर यूं चलना है यानी मिलीग्राम से इसमें कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम से इसमें कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम से इसमें कन्वर्ट करना है, तो गुणा करना है। अगर इससे करना तो 1 से गुणा, इसमें करना तो 0.1 से गुणा करना, इसमें करना तो 0.07 से गुणा, और इधर चलना है एंड डिग्री फ्रेंच से ppm, डिग्री फ्रेंच से मिलीग्राम, डिग्री क्लार्क से डिग्री फ्रेंच, तो भाग लगाना।
इसका इसमें करोगे तो 0.1 का भाग, इसका इसमें करोगे तो 0.1 का भाग, इसका इसमें करोगे तो 0.07 से भाग, इसका इसमें करोगे तो 0.07। ठीक है, ओके। चलो एक न्यूमेरिक करो देखते हैं। एक एक न्यूमेरिकल हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ फिर लिखूंगा इसको बोर्ड पे कि 500 ml वाटर में, कठोर जल में, ना ध्यान से, 500 ml कठोर जल में 500 mg कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है। कठोरता ज्ञात करो। अब यहाँ जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं कि आप इसको कन्वर्ट करने बैठ जाते हो कि किस में कन्वर्ट करें, मिलीग्राम मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, वो जो छह चीज बताई थी आपको, 100 = ये, 100 = ये, तो आप क्या करते हो उसमें कन्वर्ट करने बैठ जाते हो उसको, जबकि आपको ऑलरेडी कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, यानी कठोरता दे रखी है, बट 500 ml में दे रखी है, और कठोरता आपसे मान लेते ppm में पूछी है। क्लियर, ppm में आपसे कठोरता पूछी है। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट कठोरता दे रखी है, ना कि कोई कन्वर्जन दे रखा है। हमने उस कन्वर्जन को भी किसमें कन्वर्ट किया, कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, तो ppm में याद करना है, आपका रिलेशन याद करो, मिलीग्राम पर लीटर ppm, 1 mg 1 ppm। अगर मेरे पास मिलीग्राम पर लीटर आ जाए तो मैं ppm ला सकता हूँ। क्लियर, तो चूंकि 500 ml में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 500 mg। ठीक है, तो 1 ml में कितना होगा, 500/500, ये किस में हो गया, मिलीग्राम पर ml हो गया, क्योंकि ml का तो भाग लगाया है। मुझे क्या चाहिए नीचे, लीटर, तो लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml, तो 1000 ml में कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, 500/500 × 1000। अब ये किस में हो गया, मिलीग्राम पर लीटर में, 500 से 500 कैंसिल आउट, 1000 mg पर लीटर, और 1 mg पर लीटर बराबर कितना होता है, 1 ppm, तो एक सिंपल आंसर। क्लियर, तो कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है आपको, केवल मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है आपको, सिंपली और कुछ नहीं करना है। तो चूंकि 500 ml में आपको दे रखा है 500 ग्राम, तो एक में कितना हो गया, 500/500, और एक लीटर में कितना ml होता है, 1000, तो सिंपली गुणा कर देना है, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो अगर आपको उन छह सोल्ट में से कोई दे रखा है तो उनको कन्वर्ट करना है कैल्शियम कार्बोनेट में, और अगर आपको डायरेक्टली कैल्शियम कार्बोनेट देना है तो आपको कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, इसी टाइप का एक सवाल आ जाता है छोटा सा, कोई एक या दो सोल्ट दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कठोरता ज्ञात करें। देखिए एक सवाल है, एक पानी के नमूने में दे रखा है आपको, पहला को दे रखा है कैल्शियम सल्फेट 0.33 g/L। ठीक है, और दूसरा सोल्ट दे रखा है आपको कैल्शियम क्लोराइड 0.050 g/L। आपको कठोरता निकालनी, टोटल कठोरता, टोटल हार्डनेस निकालनी है आपको, और वो भी कितनी, ppm। ठीक है, पहला काम कन्वर्जन, कन्वर्ट करो। कैल्शियम सल्फेट के लिए मैंने बताया था 136, कैल्शियम सल्फेट के लिए आपको याद है कितना होता है, ठीक है, 136। तो ये कितने, 136 g कैल्शियम सल्फेट इक्वल है 100 g कैल्शियम कार्बोनेट के, तो इसलिए 1 g कितने के इक्वल होगा,
100/136 कैल्शियम कार्बोनेट, तो न्यूमेरिकल में कितना दे रखा आपको 0.033 ग्राम प्रति लीटर, ये कितने के इक्वल होगा 100/136 × 0.033, इसे पूरा लिखना है आपको, 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट इतने के इक्वल है तो 1 ग्राम कितने का होगा, इस तरह से 100/136, क्लियर। ये कैसे में आएगी, ग्राम प्रति लीटर में, तो ये पॉइंट उठाएंगे तो 1000 नीचे आ जाएगा, क्लियर। चार इसको काटें, इससे चार से गुना करिए, 4 × 12 मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, लगभग लगभग ये कटेगा 4 बार, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहा हूँ मैं, 4 बाई कटेगा ये, ठीक है, और 4 से ये कटेगा 25/1000, क्लियर, तो आएगा 0.025 ग्राम प्रति लीटर कैल्शियम पर, अप्रोक्सीमेट किया है मैंने यहाँ पर, 4 पॉइंट कुछ कटेगा, आप एक्यूरेट करें इसको एग्जाम के अंदर। इसी तरह सेकंड तरीका यही है, सेकंड कैल्शियम क्लोराइड, आपको पता है 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड इक्वल है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के, तो 0.050 ग्राम कितने के इक्वल होगा, ग्राम प्रति लीटर, 100/111 × 0.050 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। अगेन इसको सोल्व करें आप, वन थाउजेंड नीचे आ जाएगा, क्लियर, 0, 30 कैंसिल आउट, क्या आया 5/111, सोल्व करिए 0.000, 11 × 44 446 कितना बचा 56.05 0.045 किस में आएगा, ग्राम प्रति लीटर कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर। हार्डनेस किस में आ गई, ग्राम प्रति लीटर में, टोटल हार्डनेस कर लेते हैं हम यहाँ, टोटल दोनों को जोड़ दें, 0.025 + 0.045 + 0.070 ग्राम प्रति लीटर कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि यह हार्डनेस आ चुकी है आपके पास, टोटल 0.070, क्लियर। अब ppm में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये ग्राम प्रति लीटर है, ppm के लिए ये रिलेशन याद करिए, मिलीग्राम प्रति लीटर, इसको मिलीग्राम प्रति लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम, 1000, क्लियर है ना, तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, तो 1000 से गुना करोगे मिलीग्राम हो जाएगा ये, ठीक है, कितना आया 70 मिलीग्राम प्रति लीटर, और 1 मिलीग्राम प्रति लीटर कितने के बराबर होता है 1 ppm, तो 70 ppm, इस तरह से सॉल्व करेंगे। हर चीज को ध्यान से पढ़िए, हर स्टेप को ध्यान से पढ़िए, और न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी है, सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वापस देख लेते हैं, ये दोनों दे रखे हैं, आपको कन्वर्ट करना है, सिंपली मैंने अप्रोक्सीमेट काटा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्यूरेटली नहीं काटा है इसके अंदर, तो ये आ जाएगा ग्राम प्रति लीटर में आया है हमारे पास, यहाँ जो भी डेटा है वो ग्राम प्रति लीटर में, जैसे 1 ग्राम प्रति लीटर में, इस ग्राम में करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, 1 मिलीग्राम पर लीटर, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सोल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, हो जाएंगे, एक बार नहीं दो बार देखिए वीडियो को, इजीली हो जाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। थैंक यू।